कैसे हमरा से कौन सी वीडियो जी पहली अच्छा उसको सेकंड पार्ट कितनी बार की थी वो तो मैं ट्राई कर दूंगा की बात थी कि दिक्कत से कितना गुड कितना मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट टर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 18/48। तो लोएस्ट टर्म का कल मैंने आपको बताया, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों का क्या लेंगे, एचसीएफ। दोनों का इनकी एचसीएफ से क्या कर देंगे, इसके न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, या फिर दोनों यानी कि हमारा फ्रैक्शंस ए अपॉन बी की फॉर्म का होता है। तो दोनों में क्या करेंगे, ए और बी का क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो सबसे पहले लेंगे एच सी एफ ऑफ 18/48 इज। तो कल डिवीजन मेथड बताया था, 48 अंदर 18 बाहर, 3 पे वन सिक्स। तो ये वाला होगा, ये क्या होगा हमारा HCF। तो दोनों का HCF है वो क्या होगा हमारे पास 6। तो अब क्या करेंगे, 18/48 को डिवाइड यानी कि इसके न्यूमिनेटर्स और इसके डिनोमिनेटर्स दोनों को डिवाइड कर देंगे 6 से। 18/48 इक्वल डिवाइड 6 डिवाइड 6, 3/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स फ्रैक्शंस। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 16/3। तो मिक्स फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया, ए फ्रैक्शंस हैविंग होल नंबर्स अलोंग विद प्रॉपर फ्रैक्शंस इज नोन एज ए मिक्स फ्रैक्शंस। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1/3। ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर मैंने बताया न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
अपॉन 4 कोमा 7 अपॉन 12, 5 अपॉन 6, 11 अपॉन 12। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में। तो असेंडिंग में क्या करेंगे, जितने भी एन के डिनोमिनेटर्स है सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 6 एंड 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 12। अब देखो हमें सभी के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 12 बनाना है। 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब इसके डिनोमिनेटर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो मैंने इसको 3 से यहां मल्टीप्लाई किया, 3 से यहां किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। उसके बाद 7 अपॉन 12, तो 7 अपॉन 12, 12 ऑलरेडी है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 से, तो 7 अपॉन 12। इसका थर्ड पार्ट है 5 अपॉन 6, तो 5 अपॉन 6, 6 को 12 बनाना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ किया, तो 10 अपॉन 12। लास्ट है 11 अपॉन 12, तो 12 है तो यहाँ 1 से करेंगे, इसको भी 1 से, 11 अपॉन 12। तो अब हमारा क्या आ गया, 9 अपॉन 12, 7 अपॉन 12, 10 अपॉन 12, 11 अपॉन 12। तो मैंने बताया था अब हमारा कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। तो अब हमें पता है जिस फ्रैक्शंस का न्यूमिनेटर इज ग्रेटर है वो फ्रैक्शंस क्या होगा, ग्रेटर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें यानी कि इनको लगाना है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे इनकी बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे स्मॉल कौन सा है यार, 7 अपॉन 12, तो 7 अपॉन 12। कोमा उसके बाद क्या आता है, 9 यानी कि 3 अपॉन 4 कोमा उसके बाद क्या आता है, 10 यानी 5 अपॉन 10 का क्या हमारे पास 5 अपॉन 6, और 9 का क्या था 3 अपॉन 4, तो 5 अपॉन 6, और लास्ट में क्या है हमारा 11, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 12। ये हमारा किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी क्वेश्चंस के अंदर डिसेंडिंग के अंदर होगा तो डिसेंडिंग का मतलब है एक्सरसाइज कौन सी रिफ्लेक्शन की? अच्छा फोर्थ सेकंड से है कोई कौन की चैप्टर सेकंड पार्ट की चैप्टर सेकंड? पार्ट। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी क्या कर देंगे इसका उल्टा लिख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 11 अपॉन 12, 5 अपॉन 6, 3 अपॉन 4, 7 अपॉन 12। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर मैंने बताया न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें पता है ये नंबर है ये किसके अंदर है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से सबसे पहले इसे केस में चेंज करेंगे फ्रैक्शंस, और फिर डिसाइड करेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर है या फिर प्रॉपर है।
तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा वो क्या कर देंगे इनमें, प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 + 3, 8 + 3 यानी कि 11, तो क्या आ गया 2 × 3/4 = 11/4, 4 × 2 = 8, 8 + क्या हो गया हमारे पास 3, 3, 8, 8 + 3 यानी 11/4, तो 11/4 है ये हमारा किस फ्रैक्शन के अंदर है, इम्प्रोपर, इम्प्रोपर फ्रैक्शंस, इम्प्रोपर फ्रैक्शंस के अंदर मैंने बताया क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स, तो न्यूमिनेटर हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर हमारा 4 है, न्यूमिनेटर हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का हमें ये बताना इनमें से कौन सा इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 9/15 एंड 3/5, अब हमें ये बताना है कि ये दोनों पेयर इक्विवेलेंट के पेयर हैं या फिर नहीं है, तो मैंने कहा 9/15 है, तो क्या करेंगे 9/15 को यूं लग, ये वाला कौन सा है, तो 3 × 3 और 3 × 5 यानी 3 × 3 और 5 × 3, तो हमने क्या किया इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यानी कि 3/5 को हमने इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर है, तो आंसर क्या होगा हमारा, यस। उसके बाद आता है हमारा एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशंस एंड सबस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशंस एंड फ्रैक्शंस के अंदर टू रूल्स है, सबसे फर्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, इन ऑर्डर टू एड लाइक फ्रैक्शंस वी एड देयर न्यूमिनेटर एंड रिटेन्स द कॉमन डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास जो भी इनकी फ्रैक्शंस है तो क्या करेंगे, अगर दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि एड की बात करें या फिर सब्ट्रैक्ट की बात करें, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उनके न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, एड कर देंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो क्या कर देंगे, उनके न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन ऑर्डर टू एड और सबस्ट्रैक्ट,
लाइक फ्रैक्शंस वी एड और सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमिनेटर्स एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, 8/15 प्लस 7/15 या 7/8 माइनस 3/8। तो अगर एडिशन की बात करेगा तो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स है तो यहाँ क्या आया था उनके, वी एड, तो हम एड कर देंगे किसको, न्यूमिनेटर्स को। तो क्या करेंगे, 15, तो 8+7, तो 8+7 क्या आएगा हमारे पास, 15/15, यानी आंसर क्या होगा, 1। और इसमें भी क्या है, अगर सब्स्ट्रैक्ट की बात करेगा तो ये भी हमारे क्या है, सेम डिनोमिनेटर्स। तो क्या करेंगे, 7-3, तो 7-3 इक्वल टू 4/8, और ये क्या आ जाएगा, 1/2। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रैक्शंस विद, फर्स्ट रूल क्या था, अगर डिनोमिनेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे तो हम क्या कर देंगे, उनके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। सेकंड कपड़ा रूल है, देना फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय चेंजिंग द गिवन फ्रैक्शंस टू इक्वली वैलेंट फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। अगर जो गिवन फ्रैक्शंस है और उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंस है तो क्या करेंगे, उनके न्यूमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम, और उनको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, फिर उनके न्यूमिनेटर्स को ऐड या फिर हम सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रूल नंबर सेकेंड, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर कैन बी एडेड और सबस्ट्रैक्ट तो बाय चेंजिंग द गिवन फ्रैक्शंस चेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन टू इक्वली वैलेंट फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, 2/3 प्लस 2/9। अब ये वाले दोनों क्या है हमारे, डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो इनके क्या बनाएंगे, सेम, यानी कि डिनोमिनेटर्स। तो सेम डिनोमिनेटर्स के अंदर क्या करेंगे, 2/3। अब हमें पता है एलसीएम क्या आएगा, 3 और 9, तो क्या आएगा हमारे पास, 9। अब हमें इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है,
9 बनाना है। तो इसको कितने से मल्टी, पहले हम कौन सा लेंगे, ये वाला फ्रैक्शंस, तो 2/3, 3 को 9 बनाना है, इक्विवेलेंट मैंने अभी बताया 3 को यहाँ मल्टीप्लाई 3 को यहाँ, 6/9। नेक्स्ट है 2/9, तो 2/9 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको 1 से कर देंगे, इसको 1 से, तो 2/9। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड, तो 2/3 प्लस 2/9 इक्वल टू, तो 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 6/9 प्लस 2/9 को क्या लिखेंगे हम, 2/9। मैंने दोनों को इनकी क्या कर दिया, अब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, यहां देखो सेम, तो फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर्स इनकी सेम है तो हम न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9, 6+2 यानी 8/9। तो दिस सिंप्लाइज 2/3 प्लस 2/9 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8/9। तो ये हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, आज की क्लास ये स्टॉप करते हैं, बाय।